देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे आपराधिक मामलों ने दिल्ली पुलिस और सरकार के कान खड़े कर दिए हैं, लेकिन अपराध और अपराधियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिस्टम के सामने चुनौती इस वजह से अधिक है कि दिल्ली में फिजा को बिगाड़ रहे कई अपराधी गिरफ्त से आज भी बाहर हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्नेहा सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में एक के बाद एक कई इलाकों में फायरिंग की घटनाएं हुई। जिन जिन इलाकों में फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। नारायणा विहार, महिपालपुर, नांगलोई, इन तीनों ही इलाकों में बदमाशों ने रंगदारी के नाम पर फायरिंग की, लोगों के अंदर दहशत फैलाया और कानून को खुलेआम चुनौती दी। दिल्ली में अपराध के नाम पर कई ऐसे नाम हैं जो बदनाम हैं। आज हम गैंगस्टरों के बारे में बातचीत करेंगे। गैंगस्टर नंबर वन दीपक पहल, इसे बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। इस कुख्यात गैंगस्टर पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें मुनव्वर कलंदर की हत्या भी शामिल है। गैंगस्टर नंबर टू कपिल सांगवान, सांगवान को नंदू के नाम से जाना जाता है। इस पर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें एक बड़े व्यवसायी की हत्या भी शामिल है। रोहित गोदारा, रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर कई मामलों में वांछित है। रोहित गोदारा पर राजस्थान के राजू ठेहट और राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह हत्याकांड में भी मामले दर्ज हैं। रोहित गोदारा फिलहाल विदेश में है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गैंगस्टर नंबर फोर हिमांशु, हिमांशु के अपराध का दायरा दिल्ली से लेकर NCR के कुछ और हिस्सों तक फैला हुआ है। उस पर कई गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें दिल्ली के एक व्यवसायी की हत्या और गुरुग्राम में डकैती भी शामिल है। काला जठेड़ी, इसकी भी क्राइम कुंडली अपराध के कई गंभीर मामलों से सनी हुई है। जठेड़ी दिल्ली के एक व्यवसायी की हत्या और हरियाणा में पुलिस पर हमले में शामिल रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो इन अपराधियों के अपराध और एनकाउंटर कुछ एक ही कहानी बयां करते हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, इनका एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में ये घायल भी हुए, लेकिन आज के समय में ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और दिल्ली में दहशत फैला रहे हैं। दिल्ली से स्नेहा सिंह, NDTV।